हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज बहुत काफ़ी दिनों के बाद आप लोग से मिल रहा हूं, तो यार उसका रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है, वो तो आपको आगे वीडियो में बताता हूं मैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के, अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूं मैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि मेरे फाइनली 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए जाते हैं, पहले बाइक को देखते हैं फिर वहाँ से निकलते हैं। तो गाइस देख सकते हो आप, मेरा हेलमेट काफ़ी गंदा हो चुका है, तो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं भाई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया ना इसको यूज़ नहीं किया, तो देखो एकदम गंदा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। गाइस तो देख सकते हो मैं आ गया हूँ नीचे, और मेरी गाड़ी इतनी गंदी हो चुकी है, मतलब पहले क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, बट आजकल क्या है थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो देख सकते हो, एक तो बारिश का मौसम भी है, तो इस तरीके से अपनी बाइक गंदी हो चुकी है, तो थोड़ा इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं राइड पर, और ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाएंगे आज, क्योंकि देखो बारिश का मौसम है और अपने पास कुछ रेनकोट वगैरह है नहीं, तो हम लोग ज़्यादा दूर जाएंगे नहीं यार, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता ना यार। मुंबई में जो रहता है उनको पता है यार मुंबई की बारिश कैसी होती है, फट से आता फट से जाता, कोई पता नहीं चलता, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और कैसा है, मेरे पास रेनकोट वगैरह है नहीं, मतलब अभी परचेज नहीं किया हूँ, तो अभी कुछ दिनों में ले लूँगा, क्योंकि देखो इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आप लोगों को पहले तो ये बता देता हूँ यार, क्यों देखो इतने दिन वीडियो मेरा इसलिए नहीं आया, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था और डॉक्टर ने बोला था मतलब बाइक यूज़ ना करने के लिए, तो इसके वजह से यार देखो ये रीज़न की वजह से मैं बाइक यूज़ नहीं कर पा रहा था, तो ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा था, तो रीज़न ये था। और दूसरी चीज़ ये गाइस कि देखो मेरे पास ये जो फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसकी अच्छी क्वालिटी आती नहीं, तो इसलिए ना जब भी वीडियो बना शूट करता हूँ और डालता हूँ यूट्यूब पे ना, तो उसका अच्छा रिस्पांस नहीं आता, मतलब बहुत लोग बोलते कि भाई तेरा क्लियरिटी अच्छा नहीं है, इसके वजह से रिस्पांस नहीं आ पा रहा है, इसके वजह से नहीं बना पा रहा था वीडियो, तो ये कारण है। तो आज इसलिए बना रहा हूँ, अभी एक दो दिन में मतलब अभी ये वीडियो बनाऊँगा, फिर इसके बाद में भी न्यू फ़ोन परचेस किया है, तो उसमें क्या है अच्छा वाइड एंगल भी अच्छा है उसका, प्लस पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा आता है, तो GoPro तो अभी मैं ले नहीं पाऊँगा, तो अभी उस मैंने वो फ़ोन लिया, क्योंकि देखो उसमें क्या होता है अपना ऑफिस का भी काम हो जाता है और फिर भाई ब्लॉग भी बना लूँगा, तो उसमें अच्छा रहेगा मुझे, तो इस वजह से मैंने वो फ़ोन परचेस किया मैंने। तो और आप लोग को ये बता देता हूँ यार, आज मैं बहुत ज़्यादा इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे 500 सब्सक्राइबर फाइनली आप लोग ने पूरे कम्प्लीट करवा दिए, आपको धन्यवाद और शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि चलो कम से कम अब मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो इसके वजह से मैं आप लोगों को अब मतलब जल्दी से जल्दी वीडियो लाया करूँगा। तो गाइस आप लोगों को बता देता हूँ, इस 1000 सब्सक्राइबर मेरे अभी तक इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाए क्योंकि मैं देखो 4 महीने से वीडियो नहीं बना रहा था, तो इसके वजह से मेरे अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, तो अभी इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ आप लोग सपोर्ट करिए मुझे और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए मेरे 1000, जिसके वजह से मुझे मोटिवेशन होगा तो अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा गाइस। और आप लोग को अभी मैं मेरे इस महीने के एंडिंग में मतलब मैं बाहर जाऊँगा या पहला राइड अपना कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मुझे राइड भी कंप्लीट करनी है, मुझे अभी तक मैंने कहीं मुंबई अपना मतलब अपने लोकल सिटी के वजह से लोकल सिटी के अलावा कहीं और कहीं गया नहीं अभी तक घूमने राइड के लिए, तो क्योंकि देखो उसके कारण है मेरे पास अभी तक कोई राइड मतलब जैकेट वगैरह नहीं है, राइडिंग जैकेट नहीं है, प्लस मेरे पास कोई मतलब जो सेफ्टी गार्ड रहते वो सब है नहीं, तो इसकी वजह से अभी जा नहीं पा रहा हूँ, इसका कारण था। तो अभी ये होने के बाद मैं ज़रूर जाऊँगा, ये महीने के एंडिंग में मतलब थोड़ा आ जाएगा, ये सब जैकेट वगैरह ले लूँगा, तो कहीं ना कहीं ज़रूर जाऊँगा राइडिंग के लिए, पहला राइड स्टार्ट करना है मुझे, क्योंकि देखो एक मोटो ब्लॉगर का सपना होता है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया मतलब वो राइड करे और पूरा घूमे, उसका यही एक काम भी होता है और यही एक उसका सपना भी रहता है पूरा, तो मेरा भी यही सपना है कि यार ऑल ओवर इंडिया में राइड करूँ और घूमूँ, अच्छे अच्छे जगह पर जाऊँ, आप लोग को दिखाऊँ और मैं भी खुद भी देखूँ, तो ये सब मैं पूरा करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। और आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दो। ऐसे कुछ महीने पहले मैंने एक चश्मा लिया था, उसमें क्या थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो वही दिखाना है मुझे, तो अभी यहाँ से निकलता हूँ, पहले लेंस कार्ड में मतलब मैंने परचेस किया था, तो अभी उधर ही जा रहा हूँ मैं, उनको दिखाऊँगा क्या प्रॉब्लम है। और राइड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो अभी सिग्नल आ गया, सिग्नल से बस राइट लेना है, वहीं पर है लेंस कार्ड। कहाँ है शुभम? अरे यार देख, थोड़ा अपना काम पूरा कर लूँ फिर आप लोग से मिलता हूँ थोड़े टाइम पे। क्या हुआ, मेरे जो मैंने सनग्लास परचेस किया था उसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि एक मतलब ट्रेन में एक ग्लास गिर गया था, एक वन साइड का,
तो वही पूछने गया था, अगर एक लगता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वरना फिर 2-2.5 हज़ार लगाना पड़े, इससे अच्छा एक बार पूछ लूँ, कन्फर्म कर लूँ। उन्होंने बोला कि नहीं, एक नहीं लगता, आपको लगाना पड़ेगा तो दोनों लगाना पड़ेगा। भाई बारिश का मौसम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइड पे तो कहीं जाना चाहिए, खैर जा नहीं पा रहे हम लोग राइड पे अभी तो। क्या देखो टाइम, पहली बात तो टाइम ही नहीं मिल पाता, तो आप लोगों को तो पता ही है ऑलरेडी कि मैं MR का जॉब करता हूँ। कैसा है, MR के जॉब में बाइक का ही यूज़ होता है, बट इसके आप लोगों को कारण भी बताया किस वजह से आजकल नहीं चला पा रहा था। खैर अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। गाइस देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, नाला सुबरा हमारा प्यारा दुलारा। अच्छी चीज़ क्या है, अगर बारिश होती है ना, रेगुलर बारिश होगी, मतलब कि जैसे 15 दिन लगातार बारिश होते रहेगा या 4-5 दिन ऐसा रेगुलर बारिश होते रहता है तो मज़ा आता है, बारिश में अच्छा लगता है। बट कैसा, अगर आपके पास अगर अच्छा वाटरप्रूफ कैमरा है, वाटरप्रूफ फ़ोन है और आपके पास जैकेट है, तो आप लोग अच्छी जगह जा सकते हो। मुंबई में बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए। लेकिन अगर आपके पास सेफ्टी कुछ नहीं है, जैसे वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं है या कैमरा वाटरप्रूफ नहीं है, तो आप लोग कहीं जा नहीं सकते घूमने के लिए। अरे यार क्या कर रहे हो भाई, तो आप लोग कहीं घूमने के लिए जा नहीं सकते। तो अभी कैसा है ना, अगर आप लोग को बाहर कहीं घूमने जाना भी है तो देखो लोनावाला जा सकते हो और खंडाला जा सकते हो, करजत जा सकते हो, मतलब ये सब हिल स्टेशन है, अच्छा लगता है वहाँ पे। यार एक बात तो है यार, यार दिन भर ट्रैफिक है, मतलब शाम के टाइम पे आओ तो ट्रैफिक हो ही जाती है। अब देखो यार अंकल, देखो मुझे चपेट ना देना यार, तो बारिश नहीं हो रही है, वरना रेगुलर करीब 15 दिन से तो लगातार बारिश हो रही थी यार। और अभी देखो, अभी आज तो नहीं हो रही थी तो मैंने बोला यार फटाफट चलो आज वीडियो बना लेते हैं, अपने 500 सब्सक्राइबर भी पूरे कंप्लीट हो गए तो इसके खुशी में आज वीडियो आज से शुरुआत करना चाहिए, तो इसलिए मैं आज से वीडियो शुरुआत किया। तो कोई मुझे देख रहा है, घूर घूर के देख रहे क्योंकि ये क्या लगा के रखा है भाई फ़ोन में, मतलब हेलमेट में फ़ोन लगा के रखा है, देख रहे सब देख रहे हैं। कभी कभी ना जब भी बात करते रहो तो बहुत अच्छा लगता है, वरना क्या होता है ना, जिसे मतलब मेरा कैसा ध्यान रहता है बाइक चलाने पे ना, जब भी बात करते रहो तो अच्छा लगता है, ठीक है हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, वरना अगर आप पब्लिक को देखने लगोगे ना तो आप लोगों को अजीब सा लगे, यार यार सब मुझे ही देख रहे हैं, कैसा लग रहा है अजीब सा। लेकिन अगर आप बाइक चला रहे हो, कंटिन्यू बाइक चला रहे हो और देख नहीं रहे हो, भाई हमको अब एक ही काम है हमारा, बस मोटो ब्लॉग पे ध्यान देना। जो अभी नए नए मोटो ब्लॉगिंग करना सीख रहे हैं ना, तो उनको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कैमरे पे ही ध्यान मत दो, बस अपना मतलब या बात करने पे ही ध्यान मत रखो, बस आजू बाजू भी देखना ज़रूरी है। क्या होता है, कोई आजू बाजू से आया ठोक दिया तो हो गए, फिर काम भारी हो जाएगा, तो थोड़ा इधर भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे ना हमेशा प्रॉब्लम होता है नाला सुपारा में, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्या होता है ना, देखो यहाँ पे रोड ना सही नहीं है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा गड्ढा है, खिले के वजह से ना पंचर गाड़ी बहुत ज़्यादा होती है, रोड का काम चल रहा है वहाँ पे, यहाँ पे रोड बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है यार, तो उस क्योंकि और उसके वजह से ना गाड़ी बहुत ज़्यादा पंचर होती है। और अभी मेरा रिसेंटली अभी देखो दो चार दिन पहले मैंने अभी अपना पंचर की वजह से मेरा ट्यूब फट गया था, तो उस ऐसा पंचर हुआ कि ट्यूब पूरा फट गया, तो उसके वजह से मैं ना नया ट्यूब डालना पड़ा, मुझे 400 कॉस्ट लगा मुझे लगाने में, मतलब नया ट्यूब का। तो ऐसे ऐसे मतलब रोड पे जब रोड इन लोगों मतलब अगर प्रॉपर रोड बनते रहे ना, हमेशा थोड़ा सा भी गड्ढा हो तो अगर उसको गवर्नमेंट सही कर दे तो अच्छा है यार। तो हमारी बिल्डिंग आ चुकी है भाई, अब हम एंट्री करेंगे बिल्डिंग में। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ऐसे आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।